स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 12 से जो भी क्वेश्चन आ जाए। इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखी हो तो हमारे चैनल पर सारे वीडियो अवेलेबल हैं, संस्कार अकेडमी योगेश सिंह, आप वहाँ सारे वीडियो देख सकते हो और अपने आप को कम्फर्ट फील कर सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है इफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फाइंड आउट डी टू ऑफ वाई अपॉन डीएक्स स्क्वायर इन द टर्म ऑफ वाई, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव करना है वाई के टर्म में, ठीक है ना। किसके सापेक्ष हो रहा है, एक्स के सापेक्ष हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो दिया है चूंकि वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर कॉस वाई। यहाँ पे बोलेंगे डिफरेंशिएट, अरे एक्स इधर मान लो कॉस को इधर भेजोगे तो एक्स यहीं रह जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, इनवर्स है तो सीधा हो जाएगा वो। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, ये हो जाएगा कॉस वाई का माइनस साइन वाई, और अभी क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वन इज इक्वल टू माइनस साइन वाई ए डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा माइनस एक बटे साइन वाई, इधर आएगा तो माइनस एक बटे लग जाएगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आएगा माइनस कॉसेक वाई। बेटा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है अवकलन, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स फार्मूला, ठीक है ना। तो सारे फार्मूले आप मेंटेन कर लेना कहीं नोट्स पे और याद कर डालना। ये अब इसको करो, दोबारा करना है ना, फिर लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉशिक वाई माइनस का तो माइनस तो ही रहेगा, कॉशिक वाई का क्या हो जाएगा यक्स है तो यक्स वाई है तो वाई रहेगा, माइनस कॉशिक वाई इंटू कॉट वाई इंटू, अभी वाई है ना तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि आप यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस कॉशिक वाई इंटू कॉट वाई, डी वाई बाई डी एक्स का मान आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से माइनस कॉसेक वाई गुणा कर लोगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई, ये हमारा क्या आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा है आंसर, ठीक है ना। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 को लगा लेते हैं खत्म। वाई के टर्म में निकालना है तो सब वाई वाई लग के चला, एक्स को एक कोर कर लिया, एक्स खत्म हो गया, एक्स खत्म हो गया और वाई बचा तो आंसर वाई में आना था, वाई में आ भी गया। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर, देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा कि आप देख पा रहे हो दिया है वाई इक्वल टू 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, देन प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका हम एल एच एस लेके चलेंगे, एल एच एस आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आप पहले बताओ देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे हो बढ़िया से आप। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं, वाई टू का मतलब क्या सेकेंड डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वाई वन का मतलब क्या फर्स्ट है। तो सबसे पहले आप निकालो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, यानी कि यही वाई वन है, यही तो वाई वन होता है। तो आप निकालोगे तो क्या पाओगे, यहाँ पे y2 निकालना है, y1 निकालना है, y तो दिया ही है, रख के लगाना है उसको, तो इसका भी होगा अलग, इसका भी अलग होगा अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से। तो 3 cos log x, तो पहले 3 cos log x का क्या हो जाएगा माइनस साइन log x, और फिर log x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 4, तो 4 ही रह जाएगा 4 साइन log x, साइन log का क्या हो जाएगा cos log x, और log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हो गया y1 का मान निकल गया, बढ़िया से लिख लेते हैं माइनस 3 साइन log x बटे x प्लस ये क्या हो जाएगा 4 cos log x बटे x, ये हो गया y1 का मान। y2 का मान, y1 का मान रखना ही रखना है, इसको आप 1 मान लो,
वाई टू का मान निकालो, अब सेकेंड डेरिवेटिव है तो ये जाएगा अंश बटे हर है यहाँ पे माइनस, तो ऐसे रहन दो, अब इनका अलग से करना पड़ेगा। हर का स्क्वायर होता है जानते हो, हर इंटू अंश का अवकलन साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स इंटू वन बाई लॉग एक्स, एक बार करोगे तो वन बाई एक्स आएगा, माइनस अंश यानी कि थ्री बार निकाल लेते हैं, थ्री साइन लॉग एक्स है ना, तो थ्री बाहर निकाल लो, तब हो जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन एक आएगा यहाँ पे, फोर बाहर निकाल लो, फिर यहीं पे वही काम करना है, हर इंटू अंश का अवकलन कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स और वन बाई एक्स, फिर माइनस ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट का, ये हो जाएगा अंश कॉस लॉग एक्स इंटू हर का अवकलन एक हो जाएगा, होल का अपान हर का स्क्वायर हो जाता है, इसको जब सॉल्व करो एक्स एक्स कट जाएगा, कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा वाई टू की वैल्यू माइनस तीन कॉस लॉग एक्स, ये बाहर कर दो माइनस को, ये तीन को, ये आएगा माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा फोर एक्स एक्स कैंसिल माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, होल का अपान क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, सबको अलग अलग कर लेते हैं तो वाई टू का मान क्या आ जाएगा माइनस तीन कॉस, मतलब गुणा भी कर लो, लॉग एक्स अपान एक्स का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस तीन साइन लॉग एक्स अपान एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर साइन लॉग एक्स अपान एक्स का स्क्वायर माइनस फोर कॉस लॉग एक्स अपान एक्स का स्क्वायर, एक लाइन और सॉल्व कर लो तो सबका हर बराबर है, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस तीन कॉस लॉग एक्स प्लस तीन साइन लॉग एक्स माइनस फोर साइन लॉग एक्स माइनस फोर कॉस लॉग एक्स, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा वाई वन का मान यहाँ पे है, वाई टू का मान निकल गया, कोई बात नहीं है, सबको मिटा दे, आप नोट कर लो यहाँ तक, जगह खत्म हो गया ना, y1 की वैल्यू हमको सहेज के रखनी है, y2 की वैल्यू सहेज के रखनी है ताकि वहां पे रख सके, यहां पे वैल्यू रखो, अब इस वाले समीकरण है, मान लो समीकरण नंबर एक था, इसमें LHS लेके अगर चला जाए तो x स्क्वायर इनको सॉल्व भी कर सकते हो, y2 का मान यही है माइनस तीन कॉस लॉग एक्स माइनस फोर यानी कि माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना, प्लस तीन माइनस चार साइन यानी कि माइनस साइन लॉग एक्स होल का अपान एक्स का स्क्वायर प्लस फोर है ना, अरे यहाँ पे सॉरी ए एक्स है ना, वाई वन की वैल्यू ए रखनी है यानी कि माइनस तीन साइन लॉग एक्स हर समान है जोड़ लिया जाएगा फोर कॉस लॉग एक्स अपान एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, अब इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं इनका है, अब भी हो जाएगा इससे कट जाएगा माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स, ऐसे कट जाएगा माइनस तीन साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स, ठीक है ना, देखो फोर कॉस लॉग एक्स थ्री कॉस लॉग एक्स सेवन कॉस लॉग एक्स ए माइनस का सेवन जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री साइन लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस वन साइन लॉग एक्स माइनस फोर साइन लॉग एक्स और ये प्लस का फोर साइन लॉग एक्स बराबर हो गया जीरो, ये हो गया आर एच एस, यहीं पे हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव,
तो कैलकुलेशन आपको लंबा चौड़ा मिलेगा बेहद, मतलब कि अब आप यहाँ तक आ गए हो तो कैलकुलेशन तो लंबा चौड़ा आपको मिलना ही मिलना है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, लगातार अपने सीरियल वाइज जो भी आता है जैसे आता है गुड़ा भाग करने करते रहिए, आ जाएगा। बस अच्छे से चलिएगा, सारे फार्मूले हमको लर्न होने चाहिए और गुड़ा भाग तिकड़म करने आना चाहिए। तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आपके सामने एक फिर बढ़िया सा क्वेश्चन लिखा है, वाई इक्वल टू ए ई एम एक्स प्लस बी पावर एम एक्स प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डीवाई वाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू जीरो। एल एच एस चालू करना है, एक बार सेकंड निकालना है, फर्स्ट निकालना है, वैल्यू पुट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड हो जाएगा, ए तो कॉन्स्टेंट है, ई पे एम एक्स, ई पे एम एक्स ही हो जाएगा और एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। प्लस ए बी तो कांस्टेंट है, ई पे एन एक्स, ई पे एन एक्स ही रहेगा और एन एक्स का एन हो जाएगा। डी इसका आ गया, डी टू आई दो बार करना है ना, डी टू आई अपान डी एक्स स्क्वायर। ए एम कांस्टेंट हो गया, ए एम कांस्टेंट हो गया, फिर ई पे एम एक्स का क्या हो जाएगा, ई पे एम एक्स और इन टू एम एक्स का एम हो जाएगा। यहाँ पे बी एन कांस्टेंट हो गया और ई पे एन एक्स, ई पे एन एक्स इन टू एन एक्स का एन हो जाएगा। ये दोनों मान निकाल लिए गए, वहाँ पे पोर्ट करो। इसको मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी टू आई यानी कि ए एम एम यानी कि एम का स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एन का स्क्वायर एन 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 का स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन है ना। अब इसका मान रखना है डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ से ए क्या है, ए ई पे एम एक्स इन टू एम प्लस बी ई पे एन एक्स इन टू एन प्लस एम एन वाई। सॉल्व कर लो, ए एम का स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स, ई पे पावर एम एक्स प्लस बी एन का स्क्वायर ई पे पावर एन एक्स माइनस। इसको ब्रैकेट में कर लोगे तो माइनस में थोड़ा लोचा नहीं रहेगा, तो हो जाएगा जब एम से गुणा करोगे तो सब लोग माइनस तो होने होने हैं, सब प्लस हैं, सब माइनस अंदर बाहर से हो जाएंगे। यानी कि हो जाएगा ए ई पे, यहाँ से गुणा करोगे तो ए ई पे पावर, अरे ऐसे ए एम का स्क्वायर यहाँ से यहाँ गुणा कर रहे हो तो ए एम एम दो बार एम का स्क्वायर ई पे पावर एम एक्स। यहाँ करोगे तो ये अभी होगा, ये क्या हो जाएगा बी ई पे एन एक्स इन टू एम एन माइनस, यहाँ से अभी वाला यहाँ करोगे तो हो जाएगा ए ई पे एम एक्स इन टू एम एन और यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा बी एन का स्क्वायर इसका यहाँ पे ई पे एन एक्स प्लस एम एन वाई। ए देखो यहाँ से ए एम स्क्वायर ई पे एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई पे एम एक्स प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, बी एन स्क्वायर एन एक्स बी एन स्क्वायर ई पे एन एक्स ए जीरो हो जाएगा। नहीं बचा क्या, एक दो तीन टर्म बचा हुआ है, इन दोनों में अगर मैं बात करूं आपसे तो माइनस एम एन कॉमन ले लो, बचेगा क्या ई पे पावर एन एक्स प्लस ई पे पावर एम एक्स, यहाँ पे बचेगा बी, यहाँ पे बचेगा ए। बढ़िया से लिखते हैं, बढ़िया से यहाँ पे बड़े सी लिख लो, ए पे ए इंटू ई पे पावर एम एक्स प्लस b इंटू ई पे पावर एन एक्स, गुणा करके देख लो फिर वही पा जाओगे। अभी क्या बचा है एम एन वाई बचा है और ये वास्तव में y का मान है, तो माइनस एम एन वाई प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो, यही हमारा क्या है आर एच एस हेंस प्रूव्ड। तो आपको मैंने बोला ना बार बार अवकलन करने आना चाहिए, आपका एक एक्सरसाइज चल रहा है। मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करता हूँ कि आप इसके एग्जाम्पल को जरूर लगा लेना ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार 14 समाप्त होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x देन प्रूव दैट फलार, सेकेंड डिफरेंशिएशन करना और कुछ करना नहीं है। तो ये हो जाएगा, पहले फर्स्ट वाला करोगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 500 कॉन्स्टेंट है, ई पे 7x, ई पे 7x ही होगा और 7x का 7 हो जाएगा प्लस ये 600 कॉन्स्टेंट ई पे माइनस 7 का, ई पे माइनस 7x होगा लेकिन माइनस 7x का माइनस 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3500 ई पे 7x माइनस 7×42 ई पे पावर माइनस 7x डी टू वाई अपान, सेकेंड डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3500 गुड़े ई पे घात 7x इंटू 7x का 7x हो 7 होगा,
ये 4200, ई पे -7x, ये हो जाएगा -7। -7x का आकलन करना पड़ेगा ना फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो हो जाएगा इतना। अब इसी को तोड़ो फाड़ो जोड़ो जाड़ो, देखो कितना आ रहा है। तो आप देख सकते हो क्या कि ये हो जाएगा 500 गुड़े 7 गुड़े 7 ई पे पावर 7x। ये भी हालांकि माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो 600 गुड़े 7 4200 गुड़े 7 गुड़े ई पे पावर -7x। समझ रहे हमारी बात को ना, इसी को तोड़ दिया 3500 को 500 गुड़े 7 गुड़े 7 ई पे पावर 7x प्लस ए माइनस माइनस प्लस हो गया। 4200 को तोड़ा 600 गुड़े 7 4200 गुड़े 7 ए वाला ई पे पावर माइनस 7x। यहाँ पे 49 कामन ले लो, साथ साथ 49 यहाँ भी है, तो आएगा 500 ई पे पावर x 7x प्लस 600 ई पे पावर माइनस 7x। अब यहाँ पे देख सकते हो 49 ये हमारा वाई का वैल्यू है, यानी कि यही डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्रूव करना था। यहाँ पे ऐसे डब्बा बनाना, ऐसे लिखना हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 15 को ओवर करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर आप 16 देखो, जैसा कि आपके सामने मोबाइल खड़ा हुआ है, सो कह रहा हम उसको लगाओ जल्दी से, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, ये कह रहा है कि प्रूव करो कि सेकेंड डिफरेंशिएशन जो है ना पहले के स्क्वायर के बराबर है। तो कोई बात नहीं, इनको सॉल्व करो। डिफरेंशिएट नीचे x है तो x के सापेक्ष ही करना है। विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा प्रथम सेकेंड से करना पड़ेगा। प्रथम फलन सेकेंड का आकलन करोगे तो dx का 1 आ जाएगा, dx बाई dx 1 और इसका 0 यानी कि 1 ही रहेगा। प्लस सेकेंड फलन प्रथम का अवकलन ई पे वाई का, ई पे वाई लेकिन वाई का करोगे तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 0। ई वाई दोनों में कॉमन है, बचेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1। देखना यहाँ पे ये अलग पोर्शन अपना है, इनका अलग है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का मान उधर जाएगा माइनस का 1 अपान ए बटे लग जाएगा, क्योंकि यह गुड़ा उधर भाग हो जाएगा। ये तो आ ही गया, दोबारा करना पड़ेगा यार। डी टू वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर, ये देखो हर का स्क्वायर होता है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस को बाहर निकाल दो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हर इंटू अंश का अवकलन, एक का 0 हो जाएगा, कोई बात ही नहीं है। माइनस इनका अपना अलग हो गया, अंश इंटू हर का अवकलन इसका 1 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बेटा आपका 0 माइनस एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। डी टू वाई का मान आप देख रहे हो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, समझ सकते हो आप। चूंकि एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे, कि यहाँ पे माइनस को बाहर निकाल दिया जा चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल प्लस आएगा, नहीं क्योंकि माइनस बाहर निकल गया है, केवल यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे ऐसे हुआ ना 1 अपान एक्स प्लस 1 हुआ है। तो देखो हर इंटू अंश का अवकलन 0 माइनस, अंश तो 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हो गया ये डी टू वाई अपान डी स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका, देखना ध्यान से, यही करना है ना प्रूफ दैट, यही करना है कि डी टू वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, प्रूफ दैट इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मान हो गया 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ से ले लो माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस दो बार प्लस हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे चिन्हों का थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिएगा, क्योंकि चिन्ह आगे पीछे ब्रैकेट आपको हर बार लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट से काम करोगे तो कभी नहीं मिस करोगे, जान लो इतना। तो इस प्रकार होता है क्वेश्चन नंबर 16 खत्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो इस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले बता दूँ, हो सकता है कि आपको लगा हो कि हम थोड़ा तेज चले हों, तो इसके लिए आपके यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है प्लेबैक का, कॉर्नर पे 3 बटन होता है ना पॉइंट पॉइंट, वहाँ पे टच करोगे तो आप स्लो
फास्ट सब ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, आप रोक के देख सकते हो। हाँ, और कोई हमसे कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बढ़िया सा विनम्र अनुरोध करता हूँ ऐसे हाथ जोड़ के कि पीछे का वीडियो देख के आओगे ना तो ये सब कुछ है नहीं, तुम भी भागोगे, तुम हमसे भी तेज भागोगे, तुम्हारा दिमाग नया है ना, हमारा बूढ़ा हो चुका है भाई। इधर आ जाओ, कह रहे वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स कॉस स्क्वायर देन प्रूफ दैट फला, कोई बात नहीं, इसी को लेकर चलते हैं। वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले तो स्क्वायर इसके से होगा घात वाले से, तो टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फिर टेन इनवर्स एक्स का करोगे तो कितना होता है, वन अपान वन प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको इधर लेते आओ, वन प्लस एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, इसको प्रथम सेकंड मान के फिर से दोनों पक्षों में कर दोगे तो हो जाएगा बच्चों आपका प्रथम फलन सेकंड का अवकलन, यानी प्रथम फल यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फलन प्रथम का अवकलन क्या हो जाएगा, वन का जीरो एक्स का टू एक्स, जीरो प्लस टू यानी कि टू एक्स हो जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये दो बार हो गया तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इसका मान है ये वास्तव में वाई वन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा टू एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर का गुणा करोगे इनके में होगा इनके में भी होगा, तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर इधर तो एक बार है ही, एक बार और गुणा कर दोगे स्क्वायर हो जाएगा वाई डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर, मतलब वाई टू होता है प्लस यहाँ पे गुणा भी फिर करना है क्योंकि दोनों में होगा ना, इनमें भी होगा इनमें भी होगा, तो टू एक्स तो यहाँ पे आई और एक बार ये कर लोगे तो वन प्लस एक्स का स्क्वायर और सिंगल डेरिवेटिव है तो वाई वन हो जाएगा इक्वल टू, इधर बचा क्या, टू बचा बस, यही क्या होता है, hence proved, ठीक है ना। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन ओवर होते हैं, आप जितना ही अभ्यास करोगे डेरिवेटिव में आपको उतना ही कंठस्थ होगा, ये बहुत आसान होता है, बहुत कठिन नहीं होता जैसा कि आप देख चुके हो, लेकिन केवल एनसीईआरटी के लगाने से हमारा काम नहीं चलने वाला, आपके पास साइड बुक है तो क्वेश्चन को रगड़ते रहो, मस्ते रहो, ठीक है ना, ये हम आपसे बार बार कहते हैं ताकि आपको मतलब कि जो प्रैक्टिस है ना वो ज़्यादा हो जाएगा तो आप कहीं पे गलती नहीं करोगे, गलतियाँ तो सबसे होती हैं फिलहाल, लेकिन तब थोड़ा बचा के रहोगे, हाँ एक गलती इस प्रकार की हमसे यहाँ हो सकती है वहाँ हो सकती है, तो आपको एक क्लू मिल जाता है। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मध्यमान प्रमेय के साथ एक्सरसाइज 5.8 को लेकर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।